जहां एक ओर ठंड ने दस्तक दे दी है, वहीं ठंड के चलते विदेशी मेहमानों ने भारत के मैदानी भागों में दस्तक देना शुरू कर दिया है। ठंडियों का मौसम शुरू होते ही लाखों की तादाद में प्रवासी पक्षी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से उड़कर भारत आते हैं। सर्दियों के मौसम में तरह तरह के पक्षी विभिन्न इलाकों में देखने को मिलते हैं। ये कानपुर जू है, यहाँ पर एक प्राकृतिक झील बनी हुई है। इसमें बबूल के बहुत सारे बीचों बीच पेड़ लगे हैं। उसमें साइबेरियन पक्षी हर साल इस बार भी आए हैं और सैकड़ों की संख्या में उन्होंने घोंसले बना रखे हैं और विभिन्न प्रकार के परिंदे हैं उसमें। और आप देखेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, ये माहौल कहीं और नहीं मिलेगा। कानपुर में इसको पूरा माहौल दिया गया है और बाकायदा तालाब में मछलियाँ छोड़ी जाती हैं इनके भोजन के लिए। यह पक्षी अटलांटिक और दूसरे देशों से हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर भारत के मैदानी इलाकों में पहुंचते हैं। इन्हीं जगहों में से एक है कानपुर प्राणी उद्यान स्थित पक्षी विहार, जहां पर इन दिनों बड़ी संख्या में हजारों अलबेले प्रवासी पक्षी देखे जा सकते हैं। कानपुर जू के इस पक्षी विहार में अधिकारियों ने इन विदेशी मेहमानों के आगमन की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है और बड़ी संख्या में दर्शक यहां पर इन सुंदर पक्षियों को भी देखने आ रहे हैं। यहां पे जैसे ही विंटर सीजन स्टार्ट होता है, बहुत सारे साइबेरियन वर्ड्स यहां आने शुरू हो जाते हैं। ये वर्ड्स यहां पे स्टे करें, रहें, उसके लिए हम लोगों ने इंतजाम ये किया कि इनको नेचुरल हैबिटेट उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। शांत वातावरण है, पब्लिक को हम लोग वहां जाने नहीं देते हैं, जिससे कि वो नेचुरल हैबिटेट में अपना प्रजनन कर सकें। पॉल्यूशन इन बर्ड्स के लिए बहुत खतरनाक होता है और हमारे कानपुर जू का जो पॉल्यूशन का जो इंडेक्स है वो बहुत नॉर्मल रहता है। यहाँ पे पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर हम उनको उपलब्ध कराते हैं। यह मेहमान साल में सिर्फ तभी यहाँ पर आते हैं जब इनके प्रवास वाले देशों में ठंड भारत की तुलना में ज्यादा पड़ती है। यह प्रवासी पक्षी इन दिनों बर्ड सेंचुरी की शान बढ़ा रहे हैं और इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानियों की भीड़ भी उमड़ने लगी है। मैंने ये देखा कि मैं टीवीओ पे देखता था अलग अलग प्रकार के पक्षी और मैं आज फेस टू फेस सामने से देख रहा हूँ पक्षी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ का मॉल एटमोसफियर काफ़ी अच्छा है। यहाँ का बहुत अलग अलग तरह के बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं और यहाँ पर विदेश वाले भी बर्ड्स हैं। हम लोग ने आज वो देखा जो हम लोग ने पहले नहीं देखे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। ये जू भी बहुत अच्छा है।